इसराइल हिजबुल्ला की जंग में यमन का हूती, सीरिया और इराक के प्रतिरोधी समूह इस लड़ाई में कूद पड़े हैं, लेकिन इसराइल की इस जंग को लेकर एक खुफिया रणनीति है जिसे पूरे मिडिल ईस्ट का समीकरण बदल सकता है। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान ने इसराइल के लिए एक जाल बिछाया है जिसमें तेल अवीव बुरी तरह फंस चुका है और इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से हुई थी और उस वक्त इसराइल ने कहा था कि उस सांप का फन कुचल देंगे जिसने ये हमला कराया है। आपको बता दें कि इसराइल का इशारा सीधे ईरान की तरफ था। और इसराइल चाहता है कि इस युद्ध में ईरान कूदे जिससे नेतन्याहू को सीधे ईरान के परमाणु संयंत्रों को उड़ाने का मौका मिले, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसराइल की ये चाल कामयाब हो रही है क्योंकि लेबनान में ईरानी दूतावास ने कहा कि आईडीएफ ने बेरूत में जो हमला किया है वो गेम चेंजिंग उकसावा है जिसका नतीजा इसराइल को भुगतना पड़ेगा। इसको लेकर ईरानी दूतावास ने ट्वीट किया है जिसमें उसने लिखा, एक बार फिर से इसराइल ने घनी आबादी वाले इलाकों में खूनी नरसंहार करके अपने झूठे तर्कों को न्यायोचित ठहराने की कोशिश की है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह निंदनीय अपराध और लापरवाह व्यवहार एक गंभीर वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है जो खेल के नियमों को बदलता है और इसके अपराधी को उचित रूप से दंडित और अनुशासित किया जाएगा। वहीं हिजबुल्ला ने इन हमलों को लेकर कहा कि बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में नागरिक भवनों में हथियारों या हथियारों के भंडार की मौजूदगी के बारे में इजरायली कब्जे के झूठे दावों का खंडन करता है। आपको बता दें कि आईडीएफ ने 27 सितंबर 2024 को लेबनान में 30 से ज्यादा हवाई हमले किए थे जिनमें से अभी तक 700 लोगों की जान चली गई जबकि 3000 से ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को दो टूक कह दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने कहा, हम इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की घृणित धमकियों की तीखी निंदा करते हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में चेतावनी दी थी कि उनका देश ईरान पर हमला करने में सक्षम है। यह ऐतिहासिक शर्म की बात है कि हाई प्रोफाइल हत्यारा संयुक्त राष्ट्र में आने और अपने घृणित झूठ और अन्य राज्यों पर आक्रमण करने और अधिक लोगों को मारने की अपमानजनक धमकियों के साथ महासभा को जहर देने की हिम्मत करता है। आपको बता दें कि ईरान के इस बयान से पहले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने गए थे जहां पर उन्होंने खुले तौर पर ईरान पर हमले की धमकी दी थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान अभी तक सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। वो पर्दे के पीछे से हिजबुल्ला, हूती, इराक और सीरिया के प्रतिरोधियों को हथियार और गोला बारूद सप्लाई कर रहा है और उन्हीं हथियारों के बल पर ये चौकड़ी इसराइल पर हावी हो रही है।